अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसकी मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए, एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी यह देश सुरक्षित हो पाएगा और यहां के दलितों को, वनवासियों को, यहां के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती है, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया।